हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इस वीडियो में। मैं हूं विपुल और आप लोग देख रहे हैं पॉपुलर टेक यूट्यूब चैनल। दोस्तों, ओप्पो रेनो 8 सीरीज जो है बहुत ही जल्द इंडिया में लॉन्च होने वाला है और चाइना में जो है ऑलरेडी लॉन्च होने जा रहा है, तो ऐसे में बहुत ही जल्द जो है इंडिया में देखने के लिए आपको मिलेगा। तो ऐसे में ओप्पो रेनो 8 सीरीज में कौन सा फोन जो है आने वाला है, स्पेसिफिकेशन क्या मिलेगा, सब कुछ जानकारी आपको देने वाला हूँ। जो भी आपको जानकारी दूंगा वो ऑफिशियली कन्फर्म है, लिख के ले सकते हो। अगर लिख ही रहे हो तो सब्सक्राइब बटन दिख रहा है ना, उसको एक बार प्रेस करो, क्योंकि आपके लिए हर रोज जो है नया नया फोन की जानकारी जो है लेके आने वाला हूँ। तो ऐसे में जल्दी से सब्सक्राइब कर लो। अभी सबसे पहले दोस्तों बात कर लेते हैं ओप्पो रेनो 8 सीरीज में कौन सा फोन जो है देखने के लिए मिलने वाला है। तो ऐसे में बता दूं दोस्तों, इंडिया में तीन फोन आने वाला है ओप्पो रेनो 8 सीरीज में। एक तो है ओप्पो रेनो 8, साथ ही साथ ओप्पो रेनो 8 प्रो और साथ ही साथ ओप्पो रेनो 8 लाइट। तो ऐसे में दोस्तों दो तीनों फोन जो है काफी अच्छा प्राइस के साथ आ रहा है और काफी अच्छा स्पेसिफिकेशन आपको देखने के लिए मिलेगा। सबसे पहले बता दूं दोस्तों, ओप्पो रेनो 8 के बारे में ऑलरेडी जो है बहुत सारा वीडियोस बन चुका है, इसलिए मैंने वीडियोस जो है अपलोड नहीं किया है। ओप्पो रेनो लाइट के बारे में मैंने बताया है, अगर आपको वीडियोस देखना है तो इस वीडियोस को देखने के बाद उस वीडियोस को भी देख सकते हो। अगर ओप्पो रेनो 8 की 8 प्रो की बात करूं, जो कि आपको मैं जानकारियां देने वाला हूँ, अगर इसके बारे में और डिटेल्स में वीडियोस चाहिए या डिटेल्स में जानकारी चाहिए तो आपको क्या करना है, आपको सिंपली जाना है गूगल में, सर्च करना है popularTech.in। जैसे सर्च करोगे वेबसाइट आएगा, उस वेबसाइट में जाके आप लोग पढ़ सकते हो ओप्पो रेनो 8 प्रो के बारे में, जो कि डिटेल्स में जो है जानकारी दिया गया है। और अगर आपको नहीं मिल रहा है तो जल्दी से जल्दी लिंक है डिस्क्रिप्शन के अंदर, आपको लिंक को जाके क्लिक करना है। जैसे क्लिक करोगे आपको जो है ओप्पो रेनो 8 प्रो के बारे में जानकारी मिल जाएगा। अभी सबसे पहले बात कर लेते हैं ओप्पो रेनो 8 प्रो में आपको क्या क्या देखने को मिलेगा। चलते हैं डिस्प्ले की तरफ। तो ऐसे में दोस्तों डिस्प्ले जो है 6.62 इंचेस का IPS LCD पैनल के साथ आ रहा है। E4 जो है ओलिड जो है डिस्प्ले आपको देखने को मिलेगा, जिसमें काफी अच्छा खासा कलर मिलने वाला है। 16.8 मिलियन जो है कलर आपको देखने को मिलेगा, जिसके साथ आपको कलर PPI मिलने वाला है 419 PPI के साथ, जो कि काफी अच्छा खासा डिस्प्ले जो है ब्राइटनेस के साथ इस फोन की डिस्प्ले आने वाला है। चलते हैं दोस्तों डिस्प्ले की रेगुलेशन की। तो ऐसे में डिस्प्ले रेगुलेशन जो है 2400 से लेके 1080 पिक्सल तक इस फोन के डिस्प्ले देखने मिलेगा, मतलब काफी अच्छा खासा डिस्प्ले है और भाई बहुत ही अच्छा जो है बेहतरीन काम करने वाला है। अगर रिफ्रेश रेट की बात करूं तो इसमें 120 हर्ट्ज का जो है रिफ्रेश रेट इस डिस्प्ले की मिलने वाला है। चलते हैं दोस्तों कैमरा कैसा होने वाला है। तो ऐसे में बता दूं दोस्तों, इसमें तीन कैमरा जो है मिलने वाला है, मतलब ट्रिपल कैमरा सेटअप के साथ इस फोन की रियर कैमरा आने वाला है, जिसमें 50 मेगापिक्सल मेन कैमरा होने वाला है, दूसरी कैमरा 8 मेगापिक्सल की होगा और तीसरी कैमरा जो कि टेलीफोटो लेंस के साथ आ रहा है वो 2 मेगापिक्सल की होने वाला है, जिसके साथ सोनी IMX766 जो है लेंस आपको देखने के लिए मिलेगा मेन कैमरे के साथ। बात करें दोस्तों फोन साइड कैमरे की, तो ऐसे में फोन साइड कैमरा जो है 32 मेगापिक्सल की मिलने वाला है, जो कि काफी अच्छा और बहुत ही बेहतरीन काम जो है करने वाला है, क्योंकि सेल्फी के मामले में काफी अच्छा जो है परफॉर्मेंस आपको देखने के लिए मिलेगा। अगर इस कैमरे की रेगुलेशन की बात किया जाए, इमेज रेगुलेशन की, तो ऐसे में 9000 से लेके 7000 के बीच में जो है इमेज रेगुलेशन आपको देखने के लिए मिलेगा, जो कि वो भी सही है। चलते हैं दोस्तों प्रोसेसर की बात करें तो इस फोन में आपको दोस्तों 7 जनरेशन का प्रोसेसर मिलने वाला है। खास करके मेरे को पसंद नहीं आया, किस लिए, क्योंकि भाई 7 जनरेशन का प्रोसेसर जो है ना अभी उतना खास नहीं है, 8 जनरेशन आ चुका है, तो भाई 8 जनरेशन का प्रोसेसर देना चाहिए था, लेकिन भाई इस फोन में आपको 7 जनरेशन का प्रोसेसर ही मिलने वाला है, जो कि स्नैपड्रैगन की तरफ से स्नैपड्रैगन 7 Gen 1 जो है मिलने वाला है, जिसके अंदर आपको ऑक्टाकोर देखने मिलेगा, साथ ही साथ 64 बिट मिलेगा और भाई प्रोसेसर जो है 7 नैनोमीटर पे काम करने वाला है, 5G जो है होने वाला है, तो ऐसे में काफी अच्छा और भाई सेफ भी है। चलते हैं दोस्तों प्रोसेसर के साथ साथ ग्राफिक कार्ड के बारे में भी बात कर लेते हैं। तो इस फोन की ग्राफिक कार्ड जो है एड्रेनो की तरफ से मिलेगा 586, जो कि काफी अच्छा ग्राफिक कार्ड है, गेम खेल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। साथ ही साथ दोस्तों अगर बात करें इस फोन की बैटरी के बारे में, तो ऐसे में बैटरी दोस्तों 4500 की एम्पियर्स की आपको बैटरी मिलेगा, मतलब 4500 एम्पियर की बैटरी, जिसमें 80 वाट का जो है फास्ट चार्ज मिलने वाला है। अगर बॉक्स की बात करूं तो ऐसे में 18 वाट का जो है फास्ट चार्ज आपको देखने मिलेगा, मतलब 18 वाट का फास्ट चार्ज आने वाला है। मेरे को पसंद नहीं आया, किस लिए पसंद नहीं आ रहा ये बात मैं थोड़ा सा क्लियर कर लूं, क्योंकि भाई प्रोसेसर तो पहले पसंद नहीं आ रहा था, अभी भाई इसमें बैटरी भी पसंद नहीं आ रहा है, क्योंकि 4500 एम्पियर की बैटरी, भाई आजकल दिनों में 5000 एम्पियर की बैटरी आ रहा है, तो इसमें कुछ करना चाहिए था। लेकिन भाई जितना जानकारी आया वो ऑफिशियली जानकारी है। साथ ही साथ इसमें और एक चीज़ बता दूं आपको,
काफी अच्छा जो है प्राइस देखने मिलेगा, क्यों? क्योंकि भाई 7 जनरेशन का प्रोसेसर इसलिए शायद मेरे को लगता है ऐसा प्राइस हो रहा है। तो ऐसे में तीन वेरियंट के साथ आ रहा है, एक तो है 6GB 64GB 8GB 128GB 12GB 256GB। तो ऐसे में 6GB 64GB जिसका प्राइस लगभग जो है आपको 22,000 से 23,000 के बीच में देखने को मिलेगा। चाइना में जो है इसका प्राइस 22,000 से 23,000 ही हो रहा है, तो थोड़ा सा 1,000 इंक्रीज करके ले सकते हो, 22,000 से 23,000 के बीच में जो है ये प्राइस देखने के लिए मिलेगा। अगर बात करूँ लॉन्च की, दोस्तों इस महीने लॉन्च नहीं हो रहा है क्योंकि इस महीने तो खत्म हो रहा है ना, अभी अगले महीने के जो है फास्ट वीक में मतलब पहले हफ्ते में जो है इस फोन को लॉन्च किया जाने वाला है इंडिया में। तो ऐसे में आपको जानकारी कैसा लगा वो मुझे जरूर कमेंट्स करके बताना। अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि आपके लिए हर रोज जो है ऐसा ही वीडियोस आने वाला है। और भाई जैसे फोन आएगा हाथ में तो उसको भी देखेंगे क्या क्या मिल रहा है, क्या कैसा है परफॉर्मेंस, सब कुछ बताऊंगा, तो उसको भी एक बार चेक कर लेना। तो जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब करो, शेयर करो, और अभी तक अगर लाइक नहीं किया है तो लाइक कर लो, क्योंकि इतने देर से वीडियोस देख रहे हो लाइक तो बनता है ना। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।